यशोदा ने लाला को पकड़ो है, ट्रेवल डाल दिया थोड़ी इस माइक में। पकड़वे के बाद में कन्हैया के कान पकड़े, अरे लाला एक बात बताए, तू मिट्टी खा रहे हो? भगवान बोले मुंह खोलो। भगवान मुंह नहीं खोलते। यशोदा ने ऐसे करके गुलचा करो, मुंह खोल लो या ना एक दुमी। और भगवान ने जैसे अपनो मुखारविंद खोलो, गंगा यमुना सरस्वती सारा ब्रह्मांड, पेड़ पौधे जीव जंतु पूरा संसार ही भगवान के मुखारविंद में। यशोदा बोली लाला मुंह बंद कर ले। कन्हैया ने मुंह बंद कियो और यशोदा जमीन पर गिर पड़ी मूर्छित होकर के। भगवान ने कहा यशोदा मैया की जो भी देखा है मेरे मुख में योग माया से, बस जल्दी भुला दे। अगर यशोदा ना भूल पाई कि मुखारविंद में मैंने संसार देखा तो बाल लीला आज से ही खत्म हो जाएगी। योग माया ने जरा भी देर नहीं की, जो भी कुछ देखा सब कुछ भुला दिया यशोदा को। यशोदा उठी और श्याम सुंदर के साथ वही प्रक्रिया फिर करने लगी, मुंह खोलो ना। जैसे मुंह खोला तो क्या देखा, भगवान का मुंह मिट्टी में सना हुआ है। एक दिन कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया ये माखन मिश्री ये दूध दही बेचने तो मथुरा क्यों जाती हो? जवाब दिया, मथुरा दूध दही बेचने हम इसलिए जाती हैं कि कंस हमारा राजा है, महाराज है। भगवान बोले कंस को कौन सा अधिकार है जो दूध दही पे है? सबसे पहले दूध दही दूध पिएंगे बछिया बछड़ा, और बछिया बछड़ाओं से जो दूध बचेगा उसे हम पिएंगे ग्वाला, कंस को कौन सा अधिकार है? तो यशोदा ने दो गाल पे गुलचा मारे, चुप नेकसो है ना, हमें शिक्षा दे रहे हो। और बात भी सही है भैया, अगर घर में कोई छोटा सा अगर बालक है और एक ज्ञान की बात माँ और पिता को बताने लगे, अगर सीख भी आवे तो उसे डांट दिया जाता है। कन्हैया बोले हमारी ऐसे पेश जाए वारी ना है। भगवान ने अपनी मित्र मंडली बनाई है छोटे छोटे ग्वाला।